अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रेडियो साडे वाला एंड वैब टीवी साडे वाला। ऑकलैंड क्राइस्ट चर्च का सब तो ज़्यादा देखा और सुनया जाने वाला चैनल है जी। गुरप्यारी संगत जी, असं अज पहुंचे हैं गुरद्वारा श्री पहली पातशाही पंजा साहिब विखे। पंजा साहिब विखे इस वेले 323वां खालसा खजना दिवस चल रहा है, नाल ही नाल विसाखी दियाँ सैलीब्रेशन जिहड़ियां ने हुम हुमा के चल रही हैं। गुरप्यारी संगत जी, असी इत्थे आए हुए यात्री जिन्ने भी ने उन्हां दे नाल गल कर रहे हैं और साडे जिन्ने भी प्रोग्राम है तुहानूं पता अनकटेड हुंदे ने, अनएडिटेड हुंदे ने। असी जिद्दां दी गल हुंदी है, जो चीज़ हुंदी है वो असी तुहाडे सामने रखदे हैं कि लोगों का किन्ना प्यार है, किन्नी मुहब्बत है एक दूजे दे नाल। ते साडे भैण जी कित्थों आए ने असी इन्हां नाल गल करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, जी भैन जी की नाम अपना? जसबीर कौर जी। कितों तशरीफ लिया हो? दिल्ली तो जी। अच्छा, दिल्ली दिल वाले दी। वेरी गुड जी, किदा दा सफर रहा? सारा सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत जिन्होंने कहते अच्छा। असी फर्स्ट टाइम आए हैं, यह भी शुक्र है बाबा जी दे के साढ़े फर्स्ट टाइम बाबा जी ने आग्ञा हुई, बाबा जी की सानू इतने परमिशन मिल गई जी, गुरु जी मेहर हुई है बहुत ज़्यादा। तो सारा दिल्ली तो लैके हूँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। इतने बहुत केयरिंग परसन है, सिक्योरिटी साढ़े वास्ते, मतलब इतने की जड़ी मतलब पब्लिक भी हैगी है, मतलब इन्ना उन्होंने प्यार व्ड्या का छोटे का बहुत ज़्यादा प्यार मिले सू। तो की कहना चाहोगे अपनी इन कोर भैं हाले तक नहीं आ सकिया? हाँ जी, असं कहना सारे अपना अपनी तरफों कोशिश करन, गुरु की मेहर होवे, सारे अपने इतने हाजिरी लगान, तो असं यही चाहते हैं। तो तुम पहली बारी आए तो मतलब कि मीडिया तो बड़ा नैगेटिव कमाता है कि भाई तुम ना जाओ, डरा बहुत है, क्या इदा कोई डर वाली कोई गल हैगी है? नहीं जी नहीं, इस तरह डर वाली तो कोई गल नहीं, बाबा जी नाल ने अंग संग सहाई है। कहीं और भी कोई औकड़ आई हो, कोई दिक्कत आई हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये दा मतलब है कि तुहाडी यात्रा जी बड़ी समूथ और बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी चल रही है। चलो जी, असं दुआ करते हैं कि तुहाडी यात्रा इसे तरह ही समूथ और अच्छी चल रही रहे। कोई जगत संगत वास्ते कोई मैसेज देना चाहो? संगत वास्ते मैसेज आई हो ये कि सारे अपना इतने आओ, अपना रल मिल के अपना खुशियां वंडो बाबा जी, सब नू विसाखी दी बहुत बहुत लख लख बधाइया जी, खालसा साजना पंथ दिवस दियाँ सब नू बहुत बहुत बधाइया। ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, दिल्ली तो खालसा भाई फतेह जी। अच्छा जी, दिल्ली तो? हाँ जी हाँ जी। की करते आप जी उत्थे? साडे टायर शॉप हैगी जी, टायर ट्रेडिंग का काम है अपना। ठीक है, तो फिर फर्स्ट टाइम तुम भी? हाँ जी फर्स्ट टाइम, असं मैं भी है। ठीक है जी। ते कोई पिछोकड़ अपना कोई पाकिस्तान तो कोई रिश्तेदार? मम्मी पापा इतने है जी, मम्मी साढ़े रावल पिंड के है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਭਾਪੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਭਾਪੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100% ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 100%। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਤਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਤਾਇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਤਾਇਸ਼ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚੱਡੇ ਚੰਡੋਕ ਤੇ ਸੁਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 14ਵੇਂ ਪੀਐਮ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦ ਪਰਦਾਦ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ
एकदम एवें जिमें किसी के घर परौना आया हों मेरे लिए तो बहुत औखा है इस चीज़ को बर्दाश्त करना कि अपनी मिट्टी हूँ समझ आई है कि अपनी मिट्टी क्यों लोग रोंदे सन। रब राखा हाजिर होने थोड़ी देर बाद विछोड़े की एक होर स्टोरी लैके।